तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप हैं बिहार से, आप बिहार के पॉलिटेक्निक जो कि एग्ज़ाम जो कि अभी होने वाला है उसका आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं, जो कि पैरामेडिकल या पैरामेडिकल डेंटल या पीई का जो भी, अब जो पॉलिटेक्निक का जो अभी का फिलहाल का जो कि आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपके आज के इस वीडियो में हम बताऊँगा कि कैसे आप इजी में आप कैसे एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग से एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि इससे क्या होगा, जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास पहुंचेगा और आप मेरे वीडियो को इजीली लाभ उठा सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही हर वीडियो जो मेरे लिए आपके काम के होंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि आप अपने इस जो कि बिहार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप मैं डिस्क्रिप्शन में इस लिंक को दे दूंगा, आप वहां से ओपन कर लेंगे या टाइप करके आप इसे ओपन कर लेंगे। जैसे यहाँ आप इस पेज पे आएंगे तो इस पेज पे आपको सबसे ऊपर में ही आपको यहाँ पे दिख जाएगा डाउनलोड एडमिट कार्ड डी सी ई सी पी ई पी पी ई पी एम पी एम डी, ठीक है। ये पैरामेडिकल पैरामेडिकल डेंटल पीई ये सबका जो पॉलिटेक्निक का इसका ये एडमिट कार्ड यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इस पेज पे आने के बाद इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक नए पेज खुलेगा, जिस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसके बाद क्या करना है कि आप अपना एडमिट कार्ड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपना एडमिट कार्ड पर क्लिक करेंगे आपको इस तरह का एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे कि आप नीचे में आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड योर एडमिट कार्ड विथ योर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ आपको याद होना चाहिए। तो आपको क्लिक हियर पे यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो फॉर्म भर रखे थे वहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे अपना डाल ले, और डालने के बाद आपको क्या करना है कि डेट ऑफ बर्थ आपको चूज कर लेना है। जैसे ही आप अपना यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके सामने ही आपका जो एडमिट कार्ड होगा आपको डाउनलोड हो जाएगा, मतलब कि आपको इस तरह का आपको दिखने को मिल जाएगा, जो भी आपका एडमिट कार्ड होगा आपका यहाँ पर खुल जाएगा। जैसा कि देख रहे हैं एडमिट कार्ड यहाँ पे खुल गया है, यहाँ पर पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा पूरा। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो अपन सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे जो आपको डाउनलोड का यहाँ पर राइट साइड में ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आपका ये एडमिट कार्ड आपका अगर फ़ोन से कर रहे हैं तो फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा, अगर कंप्यूटर से कर रहे हैं तो कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। जैसे क्लिक करेंगे आपको इस तरह का आएगा एडमिट कार्ड के, जैसे यहाँ नाम लिखने के लिए पीडीएफ यहाँ पर सेव कर देंगे, ये आप डाउनलोड इसे देखें, जैसे कि देख रहे हैं ये डाउनलोड मेरा हो गया, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा, ये यहाँ पर डिटेल नीचे कि आपको कब एग्ज़ाम होने वाला है, पी पी एम डी का कब एग्ज़ाम होगा, पी का कब एग्ज़ाम होगा, तो यहाँ पर पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। इसको आप सिंपली जाके आपको यहाँ पे दूसरे जाके दुकान पे जाके आपको जहाँ प्रिंटेड होता है वहाँ से जाके आपको प्रिंट करा लेना है और आपको एग्ज़ाम देने चले जाना है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि जो भी इनको आप अगर नहीं पता है कैसे डाउनलोड करते हैं तो वो इजीली डाउनलोड कर पाएँ। और अब फीचर्स में भी आपको वीडियो मेरे देखना चाहते हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलो दोस्तों, मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।